सब्सक्राइब कीजिए गुरुकुल हब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए देखने के लिए लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, यूट्यूब के गुरुकुल हब चैनल में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ मैथमेटिक्स के ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूं जो एग्जाम हॉल में आपको हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि या तो वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते हैं या सॉल्व करते हैं तो उनको सॉल्व करते वक्त आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं और कई बार क्वेश्चन गलत भी हो जाता है। तो आज मैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में करणी एक टॉपिक होता है, ठीक है, और एक होता है घातांक, इंडेक्स एंड सर्ट्स। तो इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं आज और आपको उनको सॉल्व करने का एक बहुत ही जेन्युइन सा सीधा सा तरीका बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि रूट माइनस रूट थ्री प्लस रूट थ्री प्लस एट रूट सेवन प्लस फोर रूट थ्री। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप पीछे से इसे सॉल्व शुरू करेंगे सॉल्व करना। तो सेवन प्लस फोर रूट थ्री को सॉल्व करते हैं। अब सेवन प्लस फोर रूट थ्री, इसका मतलब क्या होगा, इस सेवन को आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं आप इस सेवन को लिख सकते हैं, फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री। अब फोर रूट थ्री, अब आपको करना क्या है, फोर को आप लिख सकते हैं टू का स्क्वायर एंड थ्री को आप लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर प्लस टू इंटू टू रूट थ्री। अब ये एक फार्मूला बन जाता है, फार्मूला बन जाता है, क्या फार्मूला बन जाता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, तो अब इसको अगर आप यहाँ रखेंगे क्या बनेगा, ये जो बन जाता है, मैं ऊपर बता देता हूँ, यहाँ पर ये बन जाएगा टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर हो जाता है। ठीक, अब आपको इसको यहाँ पर रख देना है सेवन प्लस फोर रूट थ्री की जगह, तो अब स्क्वायर से क्या होगा, रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपको जो बचेगा वो बचेगा यहाँ पर रूट माइनस रूट थ्री प्लस एट इंटू टू प्लस रूट थ्री। अब एट की मल्टीप्लाई जब इसमें अंदर कर देंगे तो ये आपके पास बन जाएगा, अंदर जो रूट बनकर आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, थ्री प्लस आठ की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो आठ दूनी सोलह प्लस, और ये हो जाएगा आठ रूट तीन। अब यहाँ भी बिल्कुल इसी मेथड से जैसे अभी हमने किया था, रूट थ्री को लिख सकते हैं रूट थ्री का स्क्वायर प्लस सोलह को फोर का स्क्वायर और प्लस टू इंटू फोर रूट थ्री, तो ये भी बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो ये भी बन जाता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि क्या बन जाएगा, रूट थ्री प्लस फोर और उसका होल स्क्वायर। तो जब इसको अब यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर पुट करेंगे इस पूरी वैल्यू की जगह, तो क्या रह जाएगा, केवल आपके पास लास्ट में बचेगा माइनस रूट थ्री प्लस, क्योंकि स्क्वायर से रूट तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस रूट थ्री प्लस फोर और उसका रूट, और माइनस रूट थ्री से प्लस रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, रूट फोर हमारे पास बचेगा और रूट फोर का आंसर हो जाता है फिर टू। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन, यानी कि टू। ठीक है, समझ में आया, तो स्टेप टू स्टेप पीछे से आपको इसको सॉल्व करते हुए जाना है। सॉल्व करने में आपको सबसे पहले सेवन प्लस फोर रूट थ्री का फैक्टर करके, यानी कि फोर प्लस थ्री प्लस फोर रूट थ्री, और इसको ए प्लस बी के फार्मूले के अकॉर्डिंग, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, फिर उसको वहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करेंगे और एट से मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो बन जाएगा थ्री प्लस सिक्सटीन प्लस एट रूट तीन, और फिर उसको उसी फार्मूले के अकॉर्डिंग बनाना है, और लास्ट में सब कुछ वैल्यू करने के बाद, सब कुछ करने के बाद लास्ट में रूट फोर बच जाता है, जो कि आंसर हमारा टू हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वो है कि वन अपॉन थ्री प्लस टू फाइव रूट प्लस टू पॉइंट टू फाइव रूट प्लस वन अपॉन, इस तरह से दिया हुआ है, ये प्लस प्लस में आगे चल रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले किसी भी एक को आप सॉल्व करके देख लीजिए, मान लीजिए आप इसको ही सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको सॉल्व करने का मेथड वही है सिंपल, कि थ्री पॉइंट टू फाइव प्लस
2.25, और इसमें आपको करना क्या है, इसमें मल्टीप्लाई कर देनी है अपोजिट साइन से। अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे जब आप इसमें, तो ऊपर क्या बनेगा, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई किससे करनी है, ध्यान देंगे, रूट 3+25 -2.25, और नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे 3.25 + 2.25, ठीक है। तो अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास ऊपर बन कर आएगा वो बन कर आएगा 3.25, माइनस वाला जाएगा क्योंकि ऊपर तो 1 है, और नीचे हो जाएगा, ये बन जाएगा a+b, और उधर जो माइनस वाले से मल्टीप्लाई किया है वो बन जाएगा a-b, समझ में आ रहा है ना, a+b, a-b, और वो होता है a² - b² यानी कि 3.25 रह जाएगा और -2.25, क्योंकि ऊपर वाला जो होगा वो तो माइनस में आएगा, और नीचे क्या होगा, a² - b² यानी कि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 3.25 -2.25 बनेगा, जो कि माइनस, जो इसको माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो यानी कि हमारे को 1/√3+25 + √2+25 को सॉल्व करने के बाद मिल जाता है 3+0.25 रूट -2.25। और इसी तरीके से जब आप इसे आगे सॉल्व करेंगे ये भी यही बनेगा, केवल माइनस बीच में आ जाएगा, और ये भी इसी टाइप से बनेगा, और ये भी इसी टाइप से बनेगा, और जब इसको हम पूरे को लिखेंगे, ठीक है, डिटेल में लिखेंगे जब इसको, तो ये क्या बनेगा, 3.25 रूट माइनस बनेगा 2.25, ये भी रूट में, फिर ये वाला बनकर आएगा प्लस 4.25 रूट -3.25 रूट, नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं, प्लस स्टेप तो वही है लेकिन नेक्स्ट लाइन में आ गए हम, 5.25 -4.25, ठीक है, फिर प्लस, अब ये 6 वाला भी इसी तरीके से लिख देंगे आप, 6.25 -5.25, ठीक है। अब आप यहाँ देख रहे हैं स्टार्टिंग है 3.25 है प्लस में, और 3.25 माइनस में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से 4.25 ये कैंसिल हो जाएगा, और 5.25 ये कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास बचता है एक तो 2.25, ठीक है, और एक बनता है 6.25। अब 6.25 प्लस में है, तो जो कि उसका रूट है, जब सॉल्व करेंगे आप उसके रूट को, तो 2.5 बन जाएगा, और माइनस हो जाएगा 2.25 यानी कि 1.5, और 2.5 से 1.5 माइनस करेंगे तो बन जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमें दिया हुआ है। तो समझ में आया, तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी एक करणी को आप सॉल्व कर लेंगे अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करके अंश और हर दोनों में, और जो अंश और हर में जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे a² - b² वाली कंडीशन बन जाती है, और ज़्यादातर क्वेश्चन में नीचे 1 बन जाता है, और वो बनकर आ जाएगा आपका √3.25 - √2.25, और ऐसे ही आगे सॉल्व करेंगे वो भी यही बनेगा, और यहाँ भी और यहाँ भी, मतलब आपको केवल एक सॉल्व करना होता, बाकी को उसी के अकॉर्डिंग आप लिख देंगे तो क्वेश्चन आपका कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है घातांक से। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, 243 है, और 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 लिख सकते हैं। अब 3 की पावर 5 है, और उसके ऊपर पावर है n/5 × 3, ऊपर पावर है 2n+1, ठीक, और नीचे है 3 की पावर 2n कर लेंगे, इसको भी 9 की पावर n है, तो 3 की पावर 2n कर देंगे (n-1), ठीक। अब क्या करना होगा आगे, सिंपल, अब 5 से ये तो 5 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर जितनी पावर है मल्टीप्लाई में पावर आपस में प्लस हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे जितनी भी पावर्स होती हैं, अगर नीचे बेस वैल्यू सेम है तो उनकी पावर प्लस हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है, और डिवाइड में होती है तो पावर ऊपर जाकर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 3n+2n+1, और नीचे हो जाएगा, इनको भी प्लस कर लेंगे, 3 2n प्लस
एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं, ऊपर सॉल्व कर देते हैं, तो अब कितना होगा, ऊपर हो जाएगा थ्री थ्री एन प्लस वन और नीचे हो जाएगा थ्री एन माइनस वन। अब एक काम करते हैं, इसको भी डायरेक्ट इसी स्टेप में ऊपर ले जाते हैं पावर्स को, तो ऊपर क्या हो जाएगा माइनस थ्री एन और जो माइनस वाली है वो प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो थ्री एन से थ्री एन कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा थ्री की पावर वन प्लस वन यानी कि टू, थ्री की पावर टू यानी कि नाइन आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन बी दिया हुआ है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप पावर्स को खोल लीजिए, बिल्कुल बेस तक, मतलब बेसिक यानी कि लास्ट नंबर तक खोल लीजिए और उन पावर्स को मल्टीप्लाई में जोड़ दीजिए और डिवाइड में माइनस करके लास्ट में आपको आंसर मिल जाएगा नाइन, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाता है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिल्कुल उसी टाइप का क्वेश्चन है जैसा अभी सेकंड क्वेश्चन हमने किया है कि वन अपॉन वन प्लस रूट टू प्लस वन अपॉन रूट टू प्लस वन अपॉन वन रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री प्लस वन रूट फोर। अब आपको करना क्या है, यहाँ भी आपको किसी भी एक को आप सॉल्व करके देख लीजिए, कोई भी जो भी आपको सही लगता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ जिसको चाहे उसे सॉल्व करके देख लीजिए। सिंपल उसी मेथड से वन प्लस रूट टू और अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर लेंगे वन माइनस रूट टू, और जब आप यहाँ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाता है ऊपर हो जाएगा वन माइनस रूट टू और नीचे हो जाएगा वन प्लस रूट टू, वन माइनस रूट टू यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर तो वन हो जाएगा और रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस में आएगा तो ये हो जाएगा टू। अब क्या होगा, नीचे वन माइनस टू है तो माइनस वन होगा, और माइनस वन को जब आप बाहर लेंगे तो माइनस वन प्लस रूट टू, ये कंडीशन बन जाएगी, यानी कि सॉल्व करने के बाद जो बनता है माइनस वन प्लस रूट टू बनता है, ठीक है, माइनस वन प्लस रूट टू, ठीक, समझ में आ रहा है। अब इसको आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसी अकॉर्डिंग ये रखना है, इसी अकॉर्डिंग ये, इसी अकॉर्डिंग ये ऐसे रखना है, यानी कि फर्स्ट वाला आपका माइनस में आएगा और सेकेंड वाला प्लस में, यानी कि क्या होगा माइनस वन प्लस रूट टू माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट फोर माइनस रूट फाइव, एक यहाँ पर थ्री वाला ये मिस हो गया है, यहाँ पर वो और होगा वन अपॉन रूट फोर और रूट फाइव, ठीक है। तो जब भी वो कंप्लीट हो पाएगा ना, और प्लस रूट फाइव यहाँ पर होना था, ठीक है, ये वाला जो है ये एक हो गया, ये एक हो गया, ये एक हो गया, तो ये फोर और फाइव, ठीक है, फिर हो जाएगा आपका रूट फाइव माइनस में, ठीक है, और रूट सिक्स प्लस में, ठीक, फिर हो जाएगा माइनस रूट सिक्स प्लस रूट सेवन और माइनस रूट सेवन प्लस रूट एट एंड माइनस रूट एट प्लस रूट नाइन, इस तरीके से बन जाएगा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर रूट टू से रूट टू कैंसिल हो जाएगा, रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, फाइव से फाइव कैंसिल, सिक्स से सिक्स कैंसिल, सेवन से सेवन, एट से एट, फर्स्ट वाला बच जाता है और लास्ट वाला, और फर्स्ट है हमारा माइनस वन, ठीक है, माइनस वन है फर्स्ट में और फिर है प्लस रूट नाइन, रूट नाइन का मतलब होगा प्लस थ्री, और थ्री में से जब टू वन माइनस करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टू, ठीक है। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है लेकिन इसको अगर किसी भी एक को आप स्टार्टिंग से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, अपोजिट साइन से और लास्ट वैल्यू बना लेंगे माइनस वन प्लस रूट टू, वैसे ही आगे भी माइनस रूट टू प्लस रूट थ्री माइनस रूट थ्री प्लस रूट फोर, इसी सीरीज में आगे चलते चले जाएंगे, तो कंटिन्यू करते रहेंगे, तो फर्स्ट हमारा माइनस वन बच जाएगा और लास्ट में रूट नाइन बच जाएगा, और उसको सॉल्व कर देंगे तो माइनस वन प्लस थ्री यानी कि टू आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस आसान से तरीके से इस टिपिकल से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक, अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे बताएं, मैं इसको क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को जो आपको दिक्कत कर रहे हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है बिल्कुल इजी, लेकिन बस इसको थोड़ा सा सावधानी से सॉल्व करना है। यदि 11 रूट 9 प्लस 112 रूट प्लस रूट 343, तो n की वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। तो आपको करना क्या है, 11 रूट n बराबर, और यहाँ पर 112 के फैक्टर कर लो किसी एक ऐसी संख्या में जिसका फैक्टर किया जाना, जिसका रूट निकाला जा सकता है। सो 16 × 7 में, और प्लस इसको लिख लेते हैं 49 × 7। ठीक है, अब इतना करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पर ध्यान देंगे 16 × 7 यानी कि 4√7 हो जाएगा, और यहाँ पर 7√7 हो जाता है। तो 4 और 7 कितना हो जाएगा, 11√7, और यहाँ पर दिया हुआ है 11√n, 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट एन हमारा हो जाता है √7, जो कि हो जाएगा n = 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। अब यहाँ पर आपको क्या निकालना है, -2 पावर -2 पावर -2। तो आपको करना क्या है, देखिए माइनस में अगर पावर है तो प्लस में कब होती है, जब भी वो अपॉन में जाएगी, 1/(1) में चली जाएगी तो वो प्लस में चली जाती है। यानी कि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 1/(-2). ठीक है, 1 के अपॉन में चले गए, और ये वाला जो -2 है ये हो गया प्लस में। ठीक है, बाकी -2 यहाँ पर रहेगा। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अंदर वाले को। अंदर वाले को जब सॉल्व करेंगे, अंदर वाली वैल्यू 1/(-2)/2, तो जब स्क्वायर करेंगे तो पावर माइनस, माइनस वाली जो संख्या है वो पावर प्लस है। ठीक है, स्क्वायर करेंगे तो वो अंदर वाली वैल्यू भी प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1/4 हो जाएगा। ठीक है, और स्क्वायर हो गया और ऊपर बच जाता है -2। अब -2 है, ठीक, तो सिंपल इसको फिर से पलट लेंगे, यानी कि 4/1, और पावर हो जाती है 2, और 4/1 की पावर 2 यानी कि 4 की पावर 2 हो जाएगा 16, और 16 हमें ए ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है गाइज, तो सिंपली हमने क्या किया, 1/-2, उसके ऊपर पावर स्क्वायर की, क्योंकि माइनस में पावर दी हुई थी, माइनस को प्लस में करने के लिए 1/ में लेके गए और उसका स्क्वायर खोल दिया, तो स्क्वायर खोले के माइनस में वैल्यू है वो प्लस में हो जाएगी, यानी कि 1/4 का स्क्वायर जो था माइनस में रह गया, क्योंकि ये तो हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक है, अब इस माइनस को अब फिर से प्लस में बनाएंगे तो ये पावर फिर से, वैल्यू जो है फिर से पलट जाएगी, यानी कि 4/1 हो जाएगा और उसका स्क्वायर रह जाएगा, तो स्क्वायर करेंगे तो 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है गाइस, तो गाइस ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आ रहे हैं, लगातार पूछे जाते रहे हैं, हैं सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम टाइम में थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन मैं आगे भी आने वाली वीडियोस में लेकर आता रहूँगा। आप लगातार हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा किया हुआ है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और नोटिफिकेशन बेल जो होती है, बेल आइकन, उसको क्लिक करके रखें, तभी आपको हमारी लेटेस्ट न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल पाएगा। धन्यवाद।